सबसे पहले केंद्रीय विद्यालय संगठन के BSPRT में जितने भी अभ्यर्थी सफल हुए हैं उन्हें महेश अकेडमी यूट्यूब चैनल की तरफ से हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप में से कई स्टूडेंट्स ने पर्सनल व्हाट्सएप मैसेजेस किए थे लेकिन उसका जवाब हम अभी नहीं दे पा रहे हैं और लगातार कहीं ना कहीं कोशिश जारी है कि धीरे धीरे उनके जवाब दिए जाएँ। यहाँ पर जो आज हम बात करेंगे अपने इस वीडियो में, आपने ये फॉर्म देखा होगा जिसमें आपके जोन प्रेफरेंस को लेकर के बात की गई है, मांगा गया है, ठीक है। और ऐसे में अभी भी काफ़ी स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़न में हैं कि इसे भी लेकर के जाना है कि नहीं, उसे लेकर के जाना है कि नहीं, क्या लेकर के जाना है, उन सभी के बारे में बात करेंगे। ध्यान रखिएगा, आपका जो एडमिट कार्ड जारी हुआ है, एडमिट कार्ड में जो भी चीज़ मेंशन है केवल उतना ही आपको करना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। और आपने देखा होगा कि जोन प्रेफरेंस की जब हम बात करते हैं तो उसमें ऐसी कोई भी जानकारी जो है वो नहीं दी गई है। वैसे भी मैं आपको बता दूं, ये अंडरटेकिंग आप देख पा रहे होंगे, अंडरटेकिंग में यही है कि अगर हमें कहीं भी दिया जाता है पोस्टिंग, ठीक है, तो आई एम रेडी टू पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया, ठीक है, आप उसके लिए रेडी हो पोस्टिंग के लिए जहाँ कहीं भी केंद्रीय विद्यालय संगठन आपको भेजेगा। और ये बात बिल्कुल तय होती है कि जो हार्ड स्टेशन्स होते हैं वहीं पर सबसे पहले आपको भेजा जाता है। एक बार आप प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करिएगा, KVS शॉर्ट नोट्स की प्लेलिस्ट है इसी यूट्यूब चैनल पर, कोई भी ऐसा आपको शॉर्ट नोट नहीं मिलेगा जो कि आपके रिटन एग्ज़ाम में आया हो, जो कि आपके इंटरव्यू की तैयारी के लिए हो और वहाँ पर ना हो, आप वहाँ पर देखिए ज़रूर। निपुण FLN की बात करें, आपका चाहे आप NEP 2020 को लेकर के बात करो या जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके नोट्स हैं, जो भी आपके सवाल हैं, उनके जवाब वहां पर आपको मिल जाएंगे आपकी तैयारी के लिए। बाकी ये जोन प्रेफरेंस की चीज़ को आपको लेकर के नहीं जाना है, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं। और जो आपके उसमें लिखा हुआ है बायोडाटा फॉर्म को फिल करके, बाकायदा उसके बारे में मैंने चैनल पर ही आपको मिल जाएगा, हाउ टू फिल योर बायोडाटा फॉर्म, वो चीज़ आपको मिल जाएगी। साथ में जब 5 कॉपीज़ की बात की गई है तो संभवतः आपके इंटरव्यू पैनल में 5 इंटरव्यूअर होंगे, तो इसलिए 5 कॉपीज़ की बात की गई है। तो वो चीज़ आप अपने आप से कोशिश करिए कि हैंड रिटन लेकर के जाइए। तो ऐसे में अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है तो सामने वाले इंटरव्यूअर के ऊपर कहीं ना कहीं वो भी एक इम्पैक्ट डालेगी, तो वो चीज़ को भी आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आप 5 कॉपीज़ फोटोकॉपी नहीं करवाइएगा, ओरिजिनल ही रखिएगा, ठीक है। 5 कॉपीज़ बोली हैं तो आप 7 कम से कम रख लीजिएगा अपने पास में फिल करके। बाकी चीज़ें अंडरटेकिंग फॉर्म अलग से मैंने भेजा हुआ है टेलीग्राम चैनल पर भी, महेश अकेडमी, उसके बाद जो पेड वाले स्टूडेंट्स थे उनके ग्रुप में भी भेजा हुआ है, उसे आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स अपने सब कुछ ओरिजिनल रखिएगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं है आपके पास में तो उसके केस में आप उसका कारण वहाँ पर ज़रूर दीजिए। अभी कोई ऐसे में एफिडेविट की बात नहीं की गई है तो आप बिल्कुल से टेंशन नहीं लीजिएगा, एफिडेविट आप बाद में भी लगा सकते हो या जो भी है, ठीक है, बनवा लिए हैं तो भी अच्छा है। जो आपने OBC सर्टिफिकेट बनवाया है वो भी फॉर्मेट पर ही बनाते हैं, कई सारे फॉर्मेट, 2-3 फॉर्मेट आपको देखने को मिल जाएंगे, तो कन्फ्यूज़ बिल्कुल नहीं होइएगा कि नया वाला OBC फॉर्मेट है उसको अब लेकर के जाएं, तो उससे कोई मतलब नहीं है, जो पहले आपका बना हुआ है वही वैलिड भी होगा। ऐसे में कोई और सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप हमारे लिए लिख सकते हैं। मिलेंगे एक और वीडियो के साथ में, सभी को शुभकामनाएँ हैं, ऑल द बेस्ट है आपके इंटरव्यू के लिए, शुक्रिया आप सभी का।